तीन दशक के बाद आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपालों का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित तथा सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, कुलपति तथा वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, कुलसचिव डॉक्टर ओम प्रकाश, परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर अजय शुक्ला सहित उच्च शिक्षा से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी और तब से देश में नई शिक्षा नीति पर बहस चल रही है। यह शिक्षा नीति 34 साल के बाद आई है, जबकि इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में नई शिक्षा नीति घोषित की थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर इन दिनों देश भर में वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आभासी विचार गोष्ठियों के जरिए चर्चाएं चल रही हैं और देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षाविद इस पर विचार कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं को पूरा करने की कुंजी है, इसमें सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के संबंध में राज्यपालों और विश्वविद्यालय के कुलपतियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की नीति होती है। उन्होंने कहा कि 3 दशक में पहली बार देश की आकांक्षाओं से जुड़ी नीति तैयार की गई है, जिसका हर तरफ स्वागत हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया स्वागत उद्बोधन। माननीय राष्ट्रपति जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल गण, सभी उपराज्यपाल गण, मेरे सहयोगी मंत्री संजय धोत्रे जी, सभी शिक्षा मंत्री गण, सभी कुलपति गण, शिक्षाविद कस्तूरी रंगन जी और उनके सभी सदस्य गण और सभी अधिकारी वर्ग, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर इस बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि विदित है कि शिक्षा किसी समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है, तो हमारे भविष्य को समाज की है। उन्हों भाषावादी भी बनेंगे और आशावादी भी रहेंगे। हम रिफॉर्म भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और अनुफॉर्म भी करेंगे, यानी हमें विकल्प भी देगी और अच्छे अवसरों को भी देगी। हम एक अच्छे भारतीय नागरिक का निर्माण भी करेंगे और वैश्विक नागरिक के रूप में कहेंगे। भारत निश्चित ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभरेगा। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नए स्वर्णिम भारत के निर्माण का विजन हम सब मिलकर तो पूरा करेंगे। वो भारत स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप और स्टडी इंडिया के रूप में इसकी आधारशिला तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की पवित्र भावना के साथ एक बार में पूरे सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े हुए, लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे,
तरह ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि 25 सितंबर से पहले अपने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए। प्रयास यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर समझ निरंतर समझते चले, हमारी समझ बेहतर हो सके, इसके लिए प्रयास। एक बार फिर आप सभी को अपना समय निकालने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित राज्यपालों के इस सम्मेलन में उपस्थित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, समस्त राज्यपाल व उपराज्यपाल, राज्यों के शिक्षा मंत्रीगण, इसरो के पूर्व अध्यक्ष व राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख सिद्धि डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, सभी कुलपति, निदेशक व शिक्षाविद, यह शिक्षा नीति परामर्शों की अभूतपूर्व और लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है। मुझे बताया गया है कि इस नीति के निर्माण में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 12,500 से अधिक स्थानीय निकायों तथा लगभग 675 जिलों से प्राप्त 2 लाख से अधिक सुझावों को ध्यान में रखा गया है। ऐसी राष्ट्रव्यापी तथा विस्तृत भागीदारी के कारण यह शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को, आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। संस्कृत माध्यम से संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उच्चतर शिक्षा की मजबूती के लिए संकलित विषय अनुभवात्मक सांस्कृतिक पहलुओं एवं वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ कराया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा को रोजगार पर बनाने हेतु उद्योग के साथ जुड़ने पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष जोर दिया गया है। इसके विपरीत अमेरिका 52%, जर्मनी में 75%, दक्षिण कोरिया में 96% व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की गई है, जब हमारे यहाँ 5% से भी कम है। जर्मनी में ड्यूअल ट्रैक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से देश में प्रति वर्ष 5 लाख स्किल प्रोफेशनल तैयार होते हैं। इस प्रोग्राम में क्लास स्टडी एवं ऑन जॉब वर्क एक्सपीरियंस दोनों का समावेश होता है। जर्मनी में व्यावसायिक विद्यालयों ने इस हेतु 43,000 भावी है। वर्तमान समय में शिक्षा का हर पद COVID-19 के संकट से ग्रस्त है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण प्रक्रिया में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को लाया गया। इस परिशोध एवं बदलाव का समावेश होना चाहिए। कक्ष, प्रयोगशालाएं, स्पॉट्स की व्यवस्था नई शिक्षा नीति के केंद्र तक है। विषयवार पाठ्यक्रम बनाने के लिए राज्य एवं केंद्र स्तर पर विशेषज्ञों की समिति का गठन एवं बहुआयामी शिक्षा के लिए अनुसंधान विश्वविद्यालयों संस्थानों का